जबलपुर का शासकीय माध्यमिक स्कूल की एक दीवार गिर गई है। जबलपुर में खबर मिल रही है शासकीय माध्यमिक स्कूल की दीवार गिरने से ये हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में एक छात्र की दुखद मौत की खबर मिल रही है। क्लास में पढ़ाई कर रहे थे छात्र और उसी वक्त ये हादसा हुआ, दीवार गिर गई। जबलपुर के बेलखेड़ा के डुमरई गांव का ये मामला है जहां दीवार गिरने से हादसा हुआ, एक छात्र की मौत हुई है और एक छात्र घायल बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे संवाददाता अमित सोनी का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी इस हादसे से जुड़ी? बेशक दीपक, एक हृदय विदारक इसको हादसा बोल सकते हैं, जहाँ पे एक छात्र सुबह रोज की तरह सुबह स्कूल के लिए पहुंचता है और वहीं पे एक हादसा हो जाता है कि जो दीवार निर्माणाधीन जो भवन है, शासकीय स्कूल है, उसका निर्माणाधीन जो दीवार है वो यहाँ पे गिर जाती है और उस बच्चे की जान चली जाती है। हालांकि इसको इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन कुछ देर उपचार के बाद जो है सातवीं के छात्र ने जो है दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे में एक और जो है बच्चा वो भी घायल हुआ, जिसका इलाज अभी वही मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। वहीं इसको हृदय विदारक जो है कहा जा सकता है। जी, ये जानकारी के लिए शुक्रिया अमित। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये हृदय विदारक घटना अभी थोड़ी देर पहले जबलपुर के बेलखेड़ा के डुमरई गांव के एक शासकीय माध्यमिक स्कूल में हुई, जहां दीवार गिरने से एक छात्र घायल हुआ है और एक छात्र की दुखद मौत हुई है। यहां पर जब दीवार गिरी उस वक्त कक्षा में छात्र पढ़ाई कर रहे थे, क्लास लग रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। खबर पन्ना से, जहां एक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक मासूम को रौंदा। मौके पर 6 वर्षीय बच्ची ने दम तोड़ा, गुस्साए परिजन ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के शांति नगर की यह घटना है जहां सड़क हादसा हो गया। 6 वर्षीय बच्ची की इस सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मारी, उसके बाद परिजन काफी नाराज हैं। गुस्साए परिजन ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इस घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। बच्ची के परिजन और स्थानीय लोगों ने वहां पर सड़क पर चक्का जाम किया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। पुलिस ने समझाइश देने की कोशिश की, हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है।